एक में भी मुक्ति हो सकती है, पर हमें मोह माया को त्याग देना है, परिवार के साथ रहना है, पर हमें जागृति रखनी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैंने भजन गाया, मैं मिठाई लेके आया, कोई भी काम ऐसे नहीं होता है, पूरी की पूरी चैन होती है, संजोग बनता है, तब तब जाके एक काम होता है। जैसे मैंने भजन गाया तो भजन याद था, उसमें नेट था, बैटरी थी, जूम है, तो सारे संजोग मिलते हैं, तब जाके एक काम होता है। तो हमें ये मैं अटका देता है 84 के चक्कर में, इससे हमें बचना जरूरी है। प्रभु जी ने बताया हम भक्ति परिवार की करते हैं, हम भक्ति टीवी की करते हैं, हम भक्ति व्हाट्सएप की करते हैं, तो जो हम करते हैं बच्चे भी वैसा ही करते हैं। हम भक्ति तब बच्चों में डाल सकते हैं जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, सत्संग सुनेंगे, जाप करेंगे, गुरु आज्ञा में रहेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही करें। प्रभु जी ने बताया जिसने परमात्मा को संसार के लिए छोड़ा उसे न संसार मिलता है न परमात्मा मिलता है, और जिसने परमात्मा के लिए संसार को छोड़ा उसे परमात्मा और संसार दोनों मिल जाते हैं। संसार किसी के बाप का सगा नहीं है। संसार में जिसे आज प्रेम करते हैं कल उसी से ही नफरत करेंगे। प्रभु जी ने बताया जब किसी से राग हो जाता है तो हमारी उम्मीद बढ़ जाती है, बेटे से राग हो गया तो हर समय बच्चों की चिंता लगी रहेगी। फिर होती है अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब उम्मीद, कहना माने और कहना नहीं मानेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा, आ जाता है क्रोध, और क्रोध आते ही हो जाता है द्वेष, द्वेष बढ़ते बढ़ते मन में वैर बन जाता है, दुश्मनी चालू, वो हमारी बुराई करेगा हम उसकी बुराई करेंगे। तो राग करना है हमें हमारे गुरु से, राग करना है हमें सत्संग से, राग करना है भगवान से, राग असली परमात्मा से करना है तो हमारा काम बन जाए। प्रभु जी ने बताया सप्ताह में एक दिन संस्कार क्लास चलानी है, बच्चों के अंदर ज्ञान डालना है, बच्चों को बताना है आज भूता नहीं करेंगे, फिर कल पूछना भी है, रोज मम्मी पापा के पांव छूने हैं, रोज धरती माता को प्रणाम करना है, एक एक चीज बच्चों को बतानी है, सिखानी है, जो जो भी ज्ञान देते वो देते रहना है, पर साथ में मैं शुद्ध आत्माओं का ज्ञान देना है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। सब सबसे मेन बात है बच्चों को प्रसाद देना है, बच्चों की पसंद का पिज्जा मैगी और बच्चों को गिफ्ट देना है तो बच्चों को मजा आए। प्रभु जी ने बताया भक्ति चार प्रकार की होती है, आर्थी अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। एक भक्त लालच में आता है, खपे खपे में मेरी ये इच्छा पूरी हो, दूसरा भक्त बीमारी में दुख में आता है, तीसरा भक्त आता है टाइम पास कौन क्या कर रहा है, चौथा भक्त है ज्ञानी जो मोक्ष के लिए आता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, पूरा समर्पण करता है। सबसे उत्तम भक्त है ज्ञानी, भक्ति में सरेंडर करते हैं, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, तू जिस हाल में रखे रह लूंगी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, ये लगन आ जाए, ये भाव हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। प्रभु जी ने बताया हमें ध्यान में रहना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ये शरीर कर रहा है, हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार आता है तो हम परमात्मा से छूट जाते हैं, हमेशा जागृति रखनी है, शरीर में शरीर नहीं शुद्ध आत्मा हो। सत्संग एक विद्यालय है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, सीख तो हो सकता है जो निराकारी है, निरअहंकार है, अहंकारी सीख नहीं सकता है, जो अहंकार से भरा हुआ है मुझे सब पता है तो वो वहीं पे ही मार खा लेंगे। हमें दास वाला भाव रखना है, दासों के दासों का दास। प्रभु जी ने बताया चार प्रकार के मनुष्य योनि होती है, कौन सा व्यक्ति कौन सी योनि में से आया हुआ है। जो मनुष्य चंचल ज्यादा होता है, भागवत करता है वो मनुष्य योनि से आया हुआ है। जो मनुष्य खाता है पीता है भोगता है वो मनुष्य तो तेज गति से आया हुआ है, तेज गति मतलब जानवर की गति से आया हुआ। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, सबको दुखी करता है, निंदा बुराई करता है, पराई पचर करता है, वो मनुष्य नरक योनि से आया हुआ है। और जो मनुष्य शांत रहता है, जिसका स्वभाव शांत है,
देनी है वही रिश्तेदारी में मिलते हैं। कोई साथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, अपनी मुक्ति पानी है, परमात्मा का नाम ही साथ चलेगा। हमें अपने आप पर ध्यान देना है, जो करेगा वो करेगा। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, अपनी मौज में रहना है, अपने आप को सुधारना है, हमें अपने दोष देखने। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।